हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपको प्राग घुमाने वाली हूँ। सो स्पेसिफिक जगह तो मैंने नहीं कवर की है, बट जो जो जगह मैंने कवर की है और जो भी साइट सीन करी है हमने, वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यस, क्या देखा प्राग में? लुकआउट टावर। ठीक है, प्राग बहुत सुंदर है, इट्स अमेजिंग, प्यारा सा है, लेकिन छोटा सा है। तो ये दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पे। बर्लिन से अलग लैंग्वेज है यहाँ पे, है ना? हाँ, यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज है। और क्या क्या है अलग ट्रेन में? आप सब कैसे हो? आई एम गुड। सो आज मेरा पहला ट्रिप है बर्लिन से बाहर, एंड आई एम गोइंग टू प्राग। सो आज मैं आपको प्राग दिखाने वाली हूँ। लेट्स सी कि प्राग कैसा है। मैंने बहुत सुना है इट्स वेरी नाइस, सो आज की वीडियो में पता चलेगा। राइट नाउ आई एम इन ट्रेन एंड दिस इज द व्यू। तो जो मौसम है बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, एंड मतलब कि इट्स नॉट लाइक प्रॉपर रेन बट हल्के हल्के क्लाउडी और बारिश वाला मौसम हो रहा है। सो वेदर इज वेरी प्लेजेंट। सो देखते हैं प्राग का ट्रिप कैसा जाता है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ इज द ट्रिप गोइंग। सो फ्रेंड्स, जो प्राग है वो है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भी है चेक रिपब्लिक का। और ये जो जगह है इसका नाम है बारशांडो। बहुत सुंदर जगह थी, दोनों तरफ हिल्स एंड घर और बीच में लेक, बहुत प्यारी जगह थी वो। सो अब यहाँ आ गए हैं हम ओल्ड टाउन स्क्वायर में। सो जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है ये बहुत ही सबसे पुराना स्क्वायर है प्राग का, और यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू मिलता है, एकदम मैजिकल व्यू मिलता है, और बहुत ही प्यारी इसकी आर्किटेक्चर है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए यहाँ पे आना सबको मतलब मोस्टली पसंद है। और ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, ये भी एक फेमस प्लेस है यहाँ पे प्राग में देखने का। तो अगर आप प्राग आ रहे हो तो आप ये जगह ज़रूर देखना। इस क्लॉक के मेनली तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें सन है, मून है और स्काई को दिखाया है। और ये है प्राग की सुंदर सुंदर गलियां, बहुत ही फेरी टेल टाइप है ये। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं डांसिंग हाउस में, और इसको बोलते हैं जिंजर एंड फ्रेड हाउस भी बोलते हैं इसे। सो इसका जो नाम रखा है एक फेमस डांसर्स के ऊपर रखा है जिनका नाम था जिंजर रॉगर्स एंड फ्रेड एस्टर। डांसिंग कपल के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है रॉक टावर, और इसके फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसका ग्लास का बना हुआ टावर है वो। सो फ्रेंड्स, ये रिवर है चेक वल्टावर, ये है लॉन्गेस्ट रिवर चेक रिपब्लिक की। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं चार्ल्स ब्रिज पर। चार्ल्स ब्रिज है ऑन द रिवर वल्टावा। सो जो चार्ल्स ब्रिज है ये एक ज़माने में एक रूट हुआ करता था बिटवीन ये जो प्राग कैसल है और जो सिटी का ओल्ड टाउन है, जो वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी जगह वो, और जो प्राग कैसल है उसको कनेक्ट करता हुआ एक इम्पॉर्टेंट रूट था ये एक टाइम पर। सो इस ब्रिज पे बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं, एंड उन सारे स्टैचूज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ सिंबल है,
अगर आप और वीडियोस चेक करेंगे प्राग की तो उसमें आपको मिल जाएगा उनके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आना बिल्कुल ही फ्री था, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे, ना ही कोई क्लोजिंग आवर्स थे। फ्रेंड्स, ये है प्राग का व्यू। रात में हम खाना खाने गए थे इस इंडियन रेस्टोरेंट में, बहुत ही टेस्टी फूड था, इनके प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं। और ये है लाइट्स जो हमें चार्ल्स ब्रिज से दिख रही थी, और ये है लुकआउट टावर, ये भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। एंड बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, येलो येलो लैम्प्स एंड कैसल और लेक, और मतलब कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये आ गया है पेट्रिन टावर। सो पेट्रिन टावर इज़ लाइक आइफिल टावर, जो पेरिस का आइफिल टावर है उसका ही एक वर्जन है। कुछ लोग वहाँ गए थे, उन्होंने देखा आइफिल टावर इतना सुंदर है, उन्होंने सोचा वैसा ही कुछ ये लोग प्राग में बनाना चाहते हैं, तो फिर इन्होंने बनाया ये पेट्रिन टावर। एंड इसमें है 299 स्टेप्स, तो आप इसमें आराम से स्टेप्स पर चढ़ते हुए अमेजिंग व्यू देखते हुए इसके ऊपर आ सकते हो। इसमें चार्जेस है, कुछ फीस है, जो भी चार्जेस है सबकी अलग अलग है, वुमेन की, चिल्ड्रेन की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और ये जो है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आके यहाँ व्यू ले सकते हो। दिस इज़ द हाईएस्ट व्यू ऑफ प्राग, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप मतलब कि पूरे प्राग का व्यू ले सकते हो। इस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मगर फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था, यहाँ से पूरी सिटी दिख रही थी, बहुत अमेजिंग व्यू था। और ये आ गए हैं हम प्राग कैसल के अंदर, ये है सुंदर सा प्राग कैसल। सो फ्रेंड्स, प्राग कैसल जो है फ्री है विजिट करने के लिए, और ये खुल जाता है सुबह 6 बजे, एंड इसके क्लोजिंग टाइम है 10 PM तक। एंड जो मोस्टली एरियाज है यहाँ पे, आपको टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका ग्राउंड है और जो साइट सीइंग करनी है इसकी, बिल्डिंग्स की, जो भी बना हुआ है यहाँ पे गार्डन्स, वो आप फ्री में कर सकते हो। कुछ प्लेसेस पे जो अंदर के जो म्यूजियम्स वगैरह हैं उनके लिए आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। और यहाँ पे जो है वो गार्ड्स चेंज हो रहे हैं, वो अपनी जो है शायद अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज करते हैं, वो हो रहा है। सो इस दिन, इस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती। जो जो बारिश में मैं कवर कर पाई हूँ मैंने वो सब दिखाया है आपको, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर कैसल वगैरह बहुत सुंदर था, इनका गार्डन। कैसल से अगर आप आगे जाके लेफ्ट में मुड़ेंगे तो यहाँ पे गार्डन मिलेगा, एंड ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। ये थी वहाँ से एक ट्रेन जो इस गार्डन के आगे आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्ट जो हमारा चार्ल्स ब्रिज है उसके अराउंड कहीं पहुँचते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्राग घुमा दिया, मैंने घूम लिया, साथ में आप लोगों ने भी घूम लिया। या यार ले ली पार्ट देन सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्राग सुंदर लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।